नमस्कार, मैं प्रशांत कनौजिया, द वायर हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज वायर के डेप्यूटी एडिटर अजय आशीर्वाद हैं, जिन्होंने हाल ही में मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त AK ज्योति को लेकर एक स्टोरी की थी, जिसमें उन्होंने ये बात रखी थी कि सामने आई थी कुछ दस्तावेजों के जरिए से कि उन्होंने उन्हें जो गुजरात में जो गुजरात सरकार द्वारा बंगला मिला हुआ था, जब क्योंकि वो इससे पहले गुजरात सरकार में कार्यरत थे और मुख्य सचिव पद से रिटायर होने के बाद विजिलेंस कमेटी के विजिलेंस के चेयरमैन भी रहे थे। उसके बाद 2015 मई में उनकी नियुक्ति बतौर चुनाव आयुक्त हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वो 2016 तक गुजरात के शाही बाग के दफनाला में बंगला नंबर 26 में तब तक रह रहे थे। उस विषय में अजय ने स्टोरी की है, हम अजय से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है ये पूरा मामला, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर हैं और जिस तरीके से वो गुजरात सरकार का बंगला में रह रहे थे अपनी परिवार के साथ, जो कि स्वतंत्रता पे एक सवाल खड़ा करता है, क्योंकि ये राजनीतिक पद तो है नहीं, ना ही ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। इस बारे में आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं क्या है पूरा मामला? बिल्कुल सही प्रशांत, बल्कि इस स्टोरी में हमने ये सबसे मूल जो दो सवाल उठाए हैं वह यही है। एक तो एक बड़ा बेसिक सा सवाल है कि मतलब क्या अचल कुमार ज्योति जी चुनाव आयुक्त बनने के बाद भी अपना बंगलो जो अहमदाबाद में उन्हें मिला था, गुजरात गवर्नमेंट ने दिया था, वो उन्होंने क्या उसको रिटेन किया? और अगर रिटेन किया तो क्या वो संवैधानिक तरीके से, तो क्योंकि वो संवैधानिक पोजीशन में थे, तो क्या वो सही है? क्या वो एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में जो ऑफिसर रहते हैं उनको किसी स्टेट गवर्नमेंट का पेट्रनेज लेना या सेंट्रल गवर्नमेंट का पेट्रनेज लेना क्या सही होता है? वही सवाल हमने अपनी स्टोरी में भी दिखाया है। ये कुछ दस्तावेज हमें द वायर को मिले, जिसमें एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर सतीश चंद्र वर्मा, उन्होंने गुवाहाटी बेंच ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जहाँ पे आईएएस जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो लोग वहाँ पे अपील करते हैं उनके किसी परेशानी पे, तो उनके कोर्ट के दस्तावेजों में ये साबित हुआ, ये उन्होंने ये लिखा है कि अचल कुमार ज्योति जी ने अपना बंगलो अक्टूबर 2016 तक उसको अपने पास ही रखा था, जबकि वो दो ऑलमोस्ट एक साल से ज्यादा के वो मई 2002 एक साल से ज्यादा तक वो चुनाव आयुक्त यहाँ पे रह चुके थे। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की स्टोरी है कि अगर आप वहाँ का भी पेट्रोनेज ले रहे हैं और यहाँ पे भी चुनाव आयुक्त, तो एज बतौर चुनाव आयुक्त आप किस तरीके से अपना स्वतंत्रता प्रूफ करेंगे, यही है ये स्टोरी। तो इसके अगर कुछ डिटेल में अगर मैं जाऊँ तो उसमें ये सारी ये चीजें होती हैं कि वो मई 2015 को चुनाव आयुक्त बने, उससे पहले वो आपने जो ऐसा बताया बंगलो नंबर 26 शाहीबाग दफनाला में रह रहे थे, तो उसके बाद भी उन्होंने उन्होंने वो घर अपना छोड़ा नहीं जो बतौर उनको चीफ सेक्रेटरी और चीफ विजिलेंस कमिश्नर के बतौर मिला था उनको, वो छोड़ा नहीं, यहाँ दिल्ली में रह रहे थे, उनकी पत्नी और उनका परिवार वहाँ अहमदाबाद में रह रहा था। और ये कुछ हमारे पास जो दस्तावेज है उसमें ये साबित होता है कि अप्रैल 2016 तक, जो कि 11 महीने उनके चुनाव आयुक्त बनने के बाद है, उसका अप्रैल 2016 तक गुजरात गवर्नमेंट को ये कि एक अर्जी आती है, एक लेटर लिखते हैं कि ये यहाँ पे अचल कुमार ज्योति जी का जो वैलिडिटी है बंगलो रिटेन करने का वो छूट चुका है, मगर वो अभी तक रह रहे हैं और उन्होंने कोई इसके सफाई नहीं दी है, जिनको अंग्रेजी में उन्होंने कहा रिप्रेजेंटेशन, उन्होंने कोई सफाई नहीं दी है कि क्यों उनको चाहिए, हालांकि वो अपना रेंट दे रहे थे उस दौरान, लेकिन उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मांगी। अच्छा, कोई भी। और जून 2016 में पहली बार जो ये दस्तावेज हमारे दिखा रहे हैं वो अचल कुमार ज्योति जी ने रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट गुजरात गवर्नमेंट के उनके सामने रिप्रेजेंटेशन दिया कि मेरी पत्नी का नी सर्जरी हुआ है। अच्छा। और उसमें और उसके वजह से उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, इसीलिए मैं परमिशन मांग रहा हूँ कि मुझे अक्टूबर 2016 में सोलह तक ये घर में रहने दिया जाए। नियुक्ति 2015 की है जी, और मतलब उन्होंने पूरे एक साल तक मई 2015 की है, लगभग एक भी कोई कारण नहीं दिया कि वो उन्हें वो बंगला क्यों चाहिए जी। और उसके क्योंकि ये संवैधानिक पद है और हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से सेक्रेटरीज की नियुक्तियां होती हैं वो पॉलिटिशियन अपने मन अपने पसंद के हिसाब से जो उनके साथ काम करता है करता है।
सिर्फ बंगलो रखना एक मुद्दा इसमें नहीं है, ये जो कोर्ट दस्तावेज है ये अपील है सतीश चंद्र वर्मा आईपीएस ऑफिसर जिनका ट्रांसफर गुजरात से मेघालय हो गया था, लेकिन ऐसे कई और आईपीएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर हैं जिनको जिनको जैसे ही ट्रांसफर हुआ निकाल दिया गया, एक एविक्शन नोटिस मिल गई कि आपको वहां पे रहना, अब ये घर आप रिटेन नहीं कर सकते। आईपीएस वर्मा जी हैं, सतीश वर्मा, ये आईपीएस ऑफिसर थे गुजरात में, इनको डेप्यूटेशन के लिए मेघालय भेजा गया, इनको डेप्यूटेशन के लिए मेघालय भेजा गया और उन्होंने वो घर 2 महीने रखा अपना अहमदाबाद वाला, और फिर उनको तुरंत एविक्शन नोटिस दे दिया गया। सतीश चंद्र वर्मा यही अपनी अपील करते हैं कि बाकी सारे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स बड़े पद के लोगों को रहने दिया जा रहा है अहमदाबाद में उनके पर्सनल रीजन से, लेकिन सिर्फ उन्हें क्यों निकाला गया? उसी अर्जी में, उसी अपील में, हाँ, उसमें फेवरेटिज्म का आरोप है कि गुजरात गवर्नमेंट पे जो उन्होंने आरोप लगाया है कि वो कुछ चुनिंदा आईएएस ऑफिसर हैं, कुछ चुनिंदा टॉप पद में रहने वाले लोग हैं जिनको वो रहने दिया जा रहा है, सिर्फ उन्हें नहीं निकाल दिया जा रहा है। सतीश चंद्र वर्मा के बारे में मैं बता दूं कि वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के पार्ट थे जो इशरत जहां फेक एनकाउंटर केस को प्रोब कर रहा था, इन्वेस्टिगेट कर रहा था, और उस प्रोब में उन्होंने काफी ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स का नाम लिया था जो कि उस फेक एनकाउंटर केस में शामिल थे, जिसमें एक नाम, बहुत बड़ा नाम, डीजी वंजारा का भी था जो अब रिलीज कर दिए गए हैं, लेकिन उस तो वो अब वो ये बताते हैं कि सतीश चंद्र वर्मा की ऑब्वियसली उन्होंने जो जिस तरीके का काम किया, ऑनेस्टली अपना काम किया, उससे गुजरात गवर्नमेंट खुश नहीं थी अपने पेपर्स में, और इसीलिए उनको एविक्शन नोटिस उनको दिया गया, जबकि बहुत सारे और बड़े पद के लोग थे जिनका ट्रांसफर होने के बावजूद भी गुजरात गवर्नमेंट ने उन्हें निकाला नहीं। यही है सवाल। अब दूसरा ये सवाल, ये जब हमने वायर ने स्टोरी की तो उसमें हमने अचल कुमार ज्योति जी को रिस्पॉन्ड करने के लिए सवाल भी भेजे थे, मगर उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। उन्होंने रिप्लाई किया टाइम्स ऑफ इंडिया को पहले, फिर उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स को किया, जिसमें वो 3 बातें कह रहे हैं कि उनको गुजरात गवर्नमेंट से कोई अनड्यू फेवर नहीं मिला। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वो अहमदाबाद में का घर इसलिए नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि वो यहाँ पे दिल्ली में उनको 1 साल तक कोई भी घर मिला नहीं था और वो गुजरात भवन के एक कमरे में रह रहे थे, तो ऑब्वियसली वो कह रहे हैं कि अपनी पत्नी को लेकर नहीं रह सकते थे। तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही उनको अक्टूबर 2016 में घर मिला, उन्होंने अहमदाबाद का बंगला अपना छोड़ दिया और दिल्ली शिफ्ट हो गए। लेकिन इन तीनों बात में कहीं ये शिफ्ट ये कहीं साबित नहीं होता है कि गुजरात गवर्नमेंट का जो लेटर है अप्रैल 2016 तक गुजरात गवर्नमेंट को क्यों नहीं मालूम था, और जैसा कि अचल कुमार ज्योति जी ने ये कहा कि गुजरात गवर्नमेंट से उन्होंने परमिशन मांग कर लिया क्योंकि ये सारी दिक्कतें थी, लेकिन उनके जो हमारे पास दस्तावेज है अप्रैल 2016 में ही पहली बार गुजरात गवर्नमेंट के रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट ने पहली बार ये अपने अपने से ऊपर ऑफिसर्स को ये बताया कि ये यहाँ रह रहे हैं और इन्होंने कोई अपनी सफाई नहीं मतलब दी, कोई परमिशन नहीं, को भी जानकारी नहीं थी कि उनके वहां रह रहे हैं। उनके विभाग को भी जानकारी नहीं थी कि वहां पे रह रहे हैं और उनको जानकारी थी कि वो रह रहे थे, लेकिन ज्योति जी क्यों रह रहे थे उनको जानकारी नहीं थी, क्योंकि ज्योति जी ने उस समय तक अप्रैल 2016 जो कि 11 महीने हो चुके थे चुनाव आयुक्त बने हुए, कोई परमिशन नहीं मांगा था। उन्होंने अपना पहला जो परमिशन का जो मीटिंग हुआ उनका वो जून 2016 में हुआ, जो कि 1 साल से ज्यादा हो चुका था जो चुनाव आयोग बने हुए। तो ये इस बात की सफाई हमने हमने ज्योति जी से मांगी है, जिन्होंने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया है, और जैसे ही वो रिस्पॉन्ड करते हैं हम अपनी स्टोरी में अपडेट कर देंगे। बिल्कुल, अचल कुमार ज्योति ने हाल ही में 12 अक्टूबर को जो उन्होंने हिमाचल का चुनाव का डेट घोषित किया, एक परंपरा को उन्होंने कहीं ना कहीं तोड़ा क्योंकि और गुजरात का उन्होंने डिले किया, जिस वजह से वहाँ आचार संहिता लग नहीं पाई। जी, बल्कि हमारी स्टोरी इसीलिए इम्पोर्टेंट इसी कॉन्टेक्स्ट में हो जाती है क्योंकि चुनाव आयुक्त को बहुत सारे लोगों ने घेरे में भी लिया, इसलिए क्योंकि पहली बार 2002 के बाद ऐसा हुआ है जब साथ में होने वाले लगभग साथ में चुनाव होने वालों का डेट हिमाचल प्रदेश का अनाउंस किया मगर गुजरात का नहीं किया, ऐसा पहली बार हुआ है, और उसके कारण ये हुआ कि जो गुजरात गवर्नमेंट है, जो रूलिंग बीजेपी गवर्नमेंट है, उनको काफी 10 दिन की समय 10 दिन की और मोहलत मिल गई जिसमें वो
बहुत सारे योजनाएं लॉन्च कर दी। योजनाएं लॉन्च कर पाए, क्योंकि गुजरात में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो लागू बिल्कुल हुआ नहीं, बिल्कुल मगर जहां पे कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी वहां पे 10 दिन पहले ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, और इस 10 दिनों के दौरान में 18,000 करोड़ की घोषणाएं घोषणाएं गुजरात में विजय रूपानी सरकार ने की है, बिल्कुल तो क्या ये सही है? हालांकि ज्योति जी ने ये कहा है कि वो फ्लड रिलीफ के लिए उनको ज्यादा मोहलत मिली, लेकिन इस तरह इससे कहीं साबित नहीं होता है कि फ्लड रिलीफ की वजह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्यों नहीं लागू होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल तो ये सारी इसमें टेक्निकल डिटेल्स और है वायर की स्टोरीज में, तो और इसमें हम इसको फॉलो अप करते रहेंगे। आप इसको इसको इसमें सबसे एक जो स्टोरी है वो है सिलेक्टिव पॉलिसी ऑफ गुजरात गवर्नमेंट, जो किस किन्हीं को निकाला किनको नहीं निकाला वो बिल्कुल बड़ा देख कर किया बिल्कुल उन्होंने। और दूसरा दूसरा मुद्दा जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि ज्योति जी जो एक संवैधानिक पोजीशन में है, जिनका इंडिपेंडेंस स्वतंत्र बिल्कुल होना बहुत ही जरूरी है भारतीय डेमोक्रेसी के बिल्कुल लिए, उनके क्या वो उनके लिए ये सही था कि वो 1 साल से ज्यादा अपना जहां जब वो चुनाव आयोग बनने के बाद 1 साल से ज्यादा अपने गुजरात गवर्नमेंट के बंगले में को रिटेन किया? अजय, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा। जिस तरीके से AK ज्योति ने जो 12 अक्टूबर को जो परंपरा तोड़ी है लगभग 2002 के बाद, इस पर राजनीतिक पार्टियों का तो विरोध हुआ ही है, लेकिन साथ ही साथ जो पूर्व चुनाव बिल्कुल आयुक्त हैं हाँ, यहाँ के SY कुरैशी तक ने इस बात एस वाई पे कुरैशी ने कहा और कई कई सारे लोगों ने किया। कई लोगों ने ये कहा कि मतलब इस तरीके से चुनाव आयोग जो कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है बिल्कुल और उसको कई साल लग गए भारतीय स्वाधीनता के बाद उसका इंडिपेंडेंस असर्ट करने में, कि अगर चुनाव आयोग हमें समझना होगा फ्री एंड फेयर बिल्कुल इलेक्शन के लिए बिल्कुल सबसे बड़ा सही बात इंस्टीट्यूशन है उसको इंश्योर करने के लिए, और जब वो इस तरीके से सिलेक्टिव पॉलिसी करता है तो सवाल तो उठेंगे ही, बिल्कुल और क्योंकि इन सवालों का जवाब ज्योति जी को उसी दिन देना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बिल्कुल बिल्कुल ना कि बाद में किसी मीडिया हाउस से बात करके कि बिल्कुल क्यों ऐसा वो कर रहे हैं। और चुनाव पूर्व चुनाव आयुक्तों ने ये कहा कि ये एकदम कॉम्प्रोमाइज लग रहा है उसके प्रेस्टीज का, उसके इंडिपेंडेंस का, और इस तरीके के सवाल तो कोई भी प्रजातंत्र में उठते ही हैं, बिल्कुल लेकिन इस जो ऑफिसर्स होते हैं उनको अपराइट होकर जवाब देना बहुत उनके लिए बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल ये जो बंगला वाला भी जो सवाल था, इसमें जो उन्होंने सिर्फ 3 लाइन का टाइम्स ऑफ इंडिया को आंसर दिया है, वो इतने बड़े पद में हैं उनको एक डिटेल में आंसर देना चाहिए बिल्कुल था, जिस तरीके से वायर ने दस्तावेज दिखाए उनको भी बिल्कुल दस्तावेज दिखाना बिल्कुल चाहिए था कि वो उन्होंने ये कहा है कि वो रेंट दे रहे हैं, रेंट तो सभी देने के लिए तैयार बिल्कुल है, बहुत ही नॉमिनल बिल्कुल रेंट होता है फ्लैट रेट, वो सभी देने के लिए तैयार है, जो सतीश चंद्र वर्मा जिन्होंने अपना केस फाइल किया है वो भी वो रेंट भी दे रहे थे, तैयार फिर भी है उनको निकाला गया है, बिल्कुल लेकिन क्यों गुजरात गवर्नमेंट को उन्होंने अर्जी नहीं दी थी अप्रैल 2016 तक, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्यों जून 2016 में ही आकर उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट से जिस परमिशन की वो बात कर रहे हैं वो जून 2016 में ही आकर परमिशन मांगी बिल्कुल उन्होंने, ये बहुत बड़ा सवाल है इस क्योंकि पर। अजय, हम देखते हैं कि हम एग्जीक्यूटिव की बात करें या सरकारों की बात करें या पार्टियों की बात करें, तो उनमें बायसनेस होता है और वो लोग अपने हिसाब से अपनी विचारधारा के अनुसार काम करते हैं। पर अभी भी भारत की जो जनता है वो ये मान के चलती है कि हमारा जो न्यायालय है और चुनाव आयोग है ये पूरी तरह राजनीति से स्वतंत्र है और ये किसी के दबाव में नहीं काम और करता। बल्कि इसका भारत की ये सिस्टम्स अभी के नहीं बने हुए हैं, हाँ बिल्कुल अभी हम हालांकि भाजपा सरकार में देख रहे हैं कि इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस में काफी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, उन पे दबाव बन रहा है अलग बिल्कुल अलग तरीके का, लेकिन ये इनके एक सिस्टम से एक स्ट्रक्चर है जो कि भारत ने भारत के अलग अलग सरकारों ने, जिसमें भाजपा सरकार भी शामिल है, उन्होंने मिलकर उनकी एक इंडिपेंडेंस अश्योर किया है, बिल्कुल उनको उनको इंश्योर किया है। अगर वो खत्म होता है तो लोग उस पर जरूर सवाल उठाने चाहिए, क्योंकि यही इंस्टीट्यूशंस है जो कि भारत की डेमोक्रेसी को एकजुट बनाकर रखती है, उसको एक नॉर्मल वेल फंक्शनिंग सिस्टम बनाने के दिशा में बढ़ती है, बिल्कुल और जब यही कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे तो उस डेमोक्रेसी या चुनावों का एक तरीके से मतलब नहीं रह जाएगा, बिल्कुल और
और आपको और लोग इसमें सवाल जब उठाएंगे तो उसमें उसकी जो सैक्रोसैंक्ट नेचर है बिल्कुल उसको उस पे सवालिया निशान तो उठेंगे ही। तो इसी की वजह से जो सीईसीज होते हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर्स बिल्कुल होते हैं, उन पे ये ओनस रहता है कि वो अपनी पब्लिक लाइफ में, अपने ऑफिशियल लाइफ में जिस हद जितना हो सके इंडिपेंडेंट, एकदम पूरी तरीके से उनकी इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग होनी चाहिए। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में एक रैली की, उसके अंदर उन्होंने ये बात कही कि चुनाव आयोग पे सवाल नहीं उठाया जा सकता, उस पे सवाल नहीं पूछा जा सकता। हालांकि वो चुनाव आयोग पे सवाल, जब यूपीए की सरकार थी तो उन्होंने कई बार चुनाव आयोग पे खुद ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये बात कही कि चुनाव आयोग पे इसलिए सवाल नहीं उठाना चाहिए क्योंकि अभी हाल ही में गुजरात में राज्यसभा इलेक्शन हुए थे जिसमें बीजेपी के कई सारे ये बीजेपी पे सवाल उठा था कि वो कांग्रेस के एमएलए को खरीद रहे हैं या बिल्कुल खरीद फरोख्त पे जा रहे हैं या उन पे प्रेशर डाल रहे हैं कि वो अपने कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट नहीं करें। तो बिल्कुल इस तरीके से उसमें क्रॉस वोटिंग देखने को मिला था, जिसकी बातें जिसका अपील इलेक्शन कमीशन पे हुआ था और वो चीज से कैमरा पे कैद थी। बिल्कुल और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने ये डिसीजन दिया था कि जो क्रॉस वोटिंग हुई है या जो क्रॉस वोटिंग होने के बाद जिन्होंने एक उसको खारिज किया था उन्होंने, और उसकी वजह से अहमद पटेल जीते थे। बिल्कुल तो उस समय लोगों ने बहुत वेलकम किया था हाँ इलेक्शन कमीशन को क्योंकि उन्होंने एक तरीके से निष्पक्ष जांच करते हुए क्रॉस वोटिंग को, इस तरीके से खरीद फरोख को एक तरीके से रोका था वहां पे। बिल्कुल अब उसमें अहमद पटेल जीते या कोई अमित शाह जीते या फिर दूसरे भाजपा के नेता जीते, लेकिन क्रॉस वोटिंग को प्रमोट नहीं करना चाहिए क्योंकि, बिल्कुल और वो हुआ था। लेकिन ये सवालिया निशान तब उठे जब ये गुजरात इलेक्शन उन्होंने अनाउंस नहीं किया और हिमाचल प्रदेश अनाउंस किया, उसके बाद से ये केस आया। और अभी मोदी जी की सरकार है और अचल कुमार ज्योति जी को और ज्यादा पब्लिक लाइफ में इंडिपेंडेंस अपना असर्ट करना होगा बिल्कुल क्योंकि वो गुजरात काडर के ही आईएएस ऑफिसर सही थे बात है। और गुजरात काडर में जो मोदी जी के जो सबसे पेट प्रोजेक्ट्स थे जैसे कांडला पोर्ट कांडला पोर्ट ट्रस्ट, प्रोजेक्ट उनके इमीडिएट चीफ सेक्रेटरी, इंडस्ट्री सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, बिल्कुल फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये सब रहे इतने बड़े बड़े पोजिशन में और मोदी जी के साथ बहुत क्लोजली काम किया है। जब इतना क्लोजली काम किया है उनके लिए ये और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो अपना सीईसी इंडिपेंडेंस असर्ट करे, बिल्कुल इंश्योर करे, और ताकि लोगों का सीईसी या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भरोसा बना रहे। बिल्कुल और खास और इस ऐसे पॉलिटिकल माहौल पे जब जब आम आदमी पार्टी या कुछ और पार्टियां ईवीएम पे भी बिल्कुल सवाल उठा रहे हैं ईवीएम के और हालांकि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है बिल्कुल लेकिन फिर भी सवाल उठ रहे हैं, और जब सवाल उठ रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं इसका एक डिस्प्ले दे बिल्कुल उसका। तो ये बिल्कुल सारी चुनाव आयोग के बारे में मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे भारत का जो चुनाव आयोग है, इसका लोहा पूरी दुनिया ने माना हुआ है कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में इतने लाखों बूथ्स होते हैं और उसके बाद भी चुनाव कराते हैं एकदम फ्री एंड फेयर। अगर उसके बाद इस तरीके के अगर सवाल उठते हैं चुनाव आयोग पर, तो ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बन जाती है कि उन्हें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर इन बातों का जवाब देना होगा, ताकि ये हमारे जो लोग हैं, जो भारत लोकतंत्र में रह रहे लोग हैं, इनका चुनाव आयोग पर पूर्ण रूप से भरोसा बने रहे। अभी अजॉय ने जो स्टोरी की है बंगले को लेकर, एके ज्योति के, उसको लेकर वायर ने उन्हें अपनी प्रश्नावली भेजी है, पर उन्होंने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया हमने है। दो स्टोरी किया है, हाँ वो आप दो वायर इंग्लिश में पढ़ बिल्कुल, सकते हैं। और वो बहुत जल्द हिंदी में भी आपको देखने मिल जाएगी स्टोरी। ओके, और जैसे ही हमें एके ज्योति की तरफ से कोई भी रिप्लाई आता है, तो जरूर हम वो अपने दर्शकों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। बल्कि ये मैं दर्शकों को बता दूं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज है। हम बिल्कुल जो रिकॉर्ड है, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, बस उसी को हमने छापा है। बिल्कुल और जब वो छपा है तो ज्योति जी पे और सीईसी पे ये होनी चाहिए कि वो एक एक बात तो एक एक दस्तावेज का खंडन करे, ये जो अपनी बात जो कह रहे हैं वो कि उन्होंने गुजरात परमिशन गवर्नमेंट से परमिशन लिया था और क्यों उन्हें मिला और क्यों बाकियों को नहीं बिल्कुल मिला, बिल्कुल बाकियों के भी पर्सनल रीजंस थे, बिल्कुल तो क्यों ऐसा हुआ, इस बात की सफाई पेश करें। हम बस इतना चाह रहे हैं, हम बिल्कुल कोई इसमें हमने का हाँ हम उससे ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं इलीगैलिटी है, बिल्कुल लेकिन क्योंकि इस तरीके की बातें आई हैं  ││ और
और इसमें सवालिया निशान उठेंगे उनकी बिल्कुल इंडिपेंडेंस पे, तो उनके लिए जिस पद पर है बिल्कुल वो, बिल्कुल उसके लिए उनको सफाई देना बहुत ज्यादा बिल्कुल, जरूरी सवाल है, उठेंगे तो जवाब तो जरूर देना क्योंकि वो होगा। पब्लिक बिल्कुल फंक्शन हो बिल्कुल। रही है। और जैसे कि इस स्टोरी को लेके जो भी अपडेट होगा हम जरूर आपके सामने रखेंगे, और बहुत जल्द ये स्टोरी आप हिंदी में भी देख पाएंगे। अजॉय, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के जी लिए। थैंक यू। वायर हिंदी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।